आइए मैम। मैडम जी, चाय लेंगी या कॉफी आप? चाय। The person you are trying to call is currently busy. Oh shit! अब तो इन्होंने मेरे फोन उठाने भी बंद कर दिए। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। 5 साल हो गए उनको गए। क्या उन्हें कभी भी मेरी याद नहीं आती? कब तक ऐसे ही इंतजार करती रहूंगी? चाय? लो मैडम चाय लीजिए। क्या बात है मैडम जी, आज आप बड़े उदास लग रहे हो। उदास ना हो तो क्या करूं? तुम तो जानते हो ना। कितने दिन हो गए उनको विदेश गए। आजकल तो साहब ने फोन उठाना भी बंद कर दिया है। सब ठीक हो जाएगा मिम साहब, आप खुश रहा करो। और फिर आप उदास होते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ अपना काम कर लो और कपड़े ले जाओ, उन्हें धो दो। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है। मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मैम जी, खाने में क्या बनाऊं आपके लिए? आज मेरा मन नहीं है, तुम बना लो और खा लो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ।
सोमू 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 गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. चाय? सोमू. जी मैम. कुछ नहीं, तुम जाओ. आइए मैम, आराम से. हाँ, आइए मैम, आइए. हाँ, आराम से. हाँ, आइए मैम, आइए. आराम से. हाँ, मैम आप आराम कीजिए, मैं पानी गर्म करके लाता हूँ. मैम पानी गर्म करके लेके आया हूँ, आपका पैर सेक दूँ? हाँ हाँ, सेक दो. आह आह.
बहुत दर्द हो रहा है सोमू। सोमू जी मैम साहब, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, तुम्हें कभी अपने परिवार की याद नहीं आती? क्या हुआ मैम साहब? कोई होगा तभी तो याद आएगा। मतलब? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में सिवाय आपके। क्या ये क्या कह रहे हो सोमू, सिवाय आपके? इसका क्या मतलब है? मैम मैं आपके घर में रहता हूँ, दोनों वक्त की रोटी भी यहीं खाता हूँ और आपकी सेवा भी करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ओके मैम, और खाने में क्या बनाऊं? जो आपका दिल करे। और हाँ, आज खाना दोनों साथ में खाएंगे।